चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ मेन करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड शंट, जो शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है ठीक है, वो कितनी वैल्यू का लगाएंगे हम, इसको बताना है ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक सर्किट हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक अमीटर लगाया सीरीज में, और ये एक सेल लगाया हमने ठीक है, और वोल्टमीटर जनरली हम लोग लगाते हैं पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। ये अमीटर है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है आइडियल के केस में, तो आइडियल अमीटर के केस में तो जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियल होता कहाँ है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो है। तो अगर हमको इसकी जगह गैल्वेनोमीटर रिप्लेस करना है, ध्यान रखना इस बात का, अमीटर की जगह हमको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर रिप्लेस करना है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो रेंज 10 ओम टू 100 ओम के रेंज में होती है, तो लेकिन अमीटर का रेजिस्टेंस तो जीरो के आसपास है, जीरो नहीं भी तो ऑलमोस्ट एक 0-1 ओम के आसपास मान लो। तो अगर गैल्वेनोमीटर इसकी जगह रिप्लेस करना है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में, जिसकी वैल्यू 1 ओम या उसके आसपास हो ठीक है, जिससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का है वो काफी कम हो जाए ठीक है, यही करना है। तो अगर ये बैटरी है या सेल है, यहां से करंट आई एम्पियर की निकली, तो जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाती है उसको आई जी बोलते हैं, और जो बची हुई करंट इधर चली जाती है आई माइनस आई जी शंट से जाती है, जो बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उसको शंट बोलते हैं। आई माइनस आई जी इधर से गई, आई जी इधर से आई, दोनों मिलके फिर से आई बन गई यहां पर ठीक है। तो अब यहां पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, ए और बी दो पॉइंट है ठीक है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे शंट के रास्ते से जाओ चाहे गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते से जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही रास्ते का सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इधर वाले रास्ते से, तो आई माइनस आई जी इंटू एस शंट वाले रास्ते से, और अगर गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते से चलेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी होगा, और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर ही होनी है क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो दोनों रास्ते से सेम होगा। तो इसलिए आई माइनस आई जी ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से एड कर दे रहा हूं यहां पर नॉलेज में तुम्हारे ठीक है। क्या हो जाएगा ये क्यों नहीं लिख रहा है, चलो आई जी क्यों नहीं आ रहा, आई जी इंटू जी ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, एस की वैल्यू निकाली ना, तो एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी ये होना चाहिए करेक्ट है। तो आई जी की वैल्यू कह रहा है 10%, जो शंट से जो करंट फ्लो होगी वो 10% है। तो अगर मैं आई को 100 मान लू, तो आई जी 100 का 10% 100 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 10% कितना हो जाएगा आई जी 100 का 10% इंटू 10/100, ये जीरो से जीरो गया 10 एम्पियर, इसको 100 एम्पियर माना तो आई जी 10 एम्पियर हो गया। ये वैल्यू उठा के रख दो यहां पर, देखो ये 10 होगा डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू जी की वैल्यू 99 दिया हुआ ना, 99 ओम दिया हुआ 99 ठीक है। तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, यहां लिख देते हैं 10 अपॉन 90 इंटू 99, जीरो जीरो कटा 9 से 11, तो एस इज इक्वल टू 11 ओम कहीं है? अच्छा ये वाला सी वाला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।